20 साल 40 साल पहले डॉक्टर बने होंगे, 20 साल पहले वो कितने आसान क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, बट ये है कि उन लोगों के लिए यार उस टाइम में यही डिफिकल्ट था, ठीक है ना, इट इज अ टाइम मैटर। चलो, और ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं, रिपीट होते हैं। देखो ये अभी रिसेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बार बार फिर कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। जैसे जैसे मैं पोजीशन बदलूंगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वैसे वैसे पोजीशन, जैसे जैसे मैं पोजीशन बदलूंगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती चली जाएगी, और ये भी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। तो कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एटम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ होगा ये चेक कर लेते हैं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा और वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा उसको तो बाद में चेक कर सकते हो, पहले तो ये चेक करो कि स्टेबल कहाँ होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा माइनस डी ओवर डी एक्स लग रहा होगा, ठीक है, ये अगर फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं एक बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं, उस टाइम में उस पोजीशन पे जो x मिलेगा उस पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा यार, ठीक है। चलो, तो इसको अगर एक बार मैं डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, तो डी ओवर डी एक्स एक बार लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी u की वैल्यू लिख लेते हैं, a ओवर x की पावर 12 और माइनस b ओवर x की पावर 6 दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सबको आता है डिफरेंशिएट करने, x की पावर 12 को ऊपर ले जाओ माइनस 12 बचेगा, माइनस 12 ए और x की पावर एक जोड़ दोगे तो 13 और माइनस प्लस 6 बी और x की पावर 7 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बी एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 12 ए एंड डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 13। तो ये टू टाइम्स में कट गया और ये ए सिक्स, ठीक है, ये एक्स की पावर 6 बच गया। तो एक्स की पावर 6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a अपान बी, मतलब एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2a अपान बी की पावर 1/6। ये वो पॉइंट है जिस पर इक्विलिब्रियम हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो 2ab की पावर 6 एक ही ऑप्शन है, 2ab की पावर 6 जिस पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब ए ऑप्शन सही है। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि वह इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल है, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव आता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। एक बार इसको डबल डिफरेंशिएट करके देख सकते, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो यहाँ से, ठीक है। अगर आप स्टेबल अनस्टेबल देखना चाहते हो तो स्टेबल कब होगा, डी यू स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये होगा डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पॉजिटिव हो, ठीक है, समझ में आया। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और इसको एक बार डिफरेंशिएट, ऐसा कई बार हम लोग करके देख चुके हैं, ए 12, ठीक है, और ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा x की पावर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x की पावर 14 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस और 6 7 और b मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 8 दैट इज ऑल इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट इज अभी जो हमें जीरो के इक्वेट नहीं, हमें डबल डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव प्रूव करना ना, तो ये इसका डबल डिफरेंशिएशन रहा। अब ये वाली जो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ ले जाके रखोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू ले जाके रखोगे तो देखना कि ये फैक्टर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है प्लस वाला, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो एक्स की पावर, एक्स एक कॉन्स्टेंट रखोगे तो एक्स की पावर 14 है और ये पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है और यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट।